मतलब आप इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि धोखे जाएं भैया जो ये कौन से ऐसे लोग हैं जो धोखे जाएं उसको चिन्हित कर दिया जाए। एक मिनट, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित कर दिया जाए? तुम्हारे बीजेपी पार्टी जो है उनकी लिस्ट जारी कर दे, जो सबसे बड़े बड़े माफिया और क्रिमिनल हैं उनको बराबर एक 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 मिनट आप चुप रहिए। आप टीवी पे देखा होगा तख्ती लेकर एक मिनट मैं सरेंडर करने बात करिए। जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया उनकी एक लिस्ट क्यों नहीं बीजेपी जारी करती है? एक जात विशेष के ऊपर क्यों इनकाउंटर कर रही है? और एक जात विशेष के ऊपर क्यों कर रही है? बताइए। और क्या आप आंकड़ों के साथ? आंकड़ों के साथ नहीं है, आप आंकड़े इकट्ठा करिए। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उनको उठा के आंकड़े के साथ देख लीजिए। कहीं यादव मारा गया, कहीं ब्राह्मण मारा गया, कहीं मुस्लिम मारा गया है। नमस्कार, मैं चुडी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। आज डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और हमारे तुफैल भाई जो एक अच्छे खासे नेता भी हैं और समाजसेवी भी हैं। तो आज हम विवेक जी से बात भी करेंगे कि ये कह रहे हैं कि उतरौला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव विन कर रही है, लेकिन वो आधार नहीं इन्होंने बताया कि किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। विवेक जी, आपसे पहला सवाल है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर यहाँ से चुनाव जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी नहीं, जीत रही है। कैसे जीत रही है? ऐसे जीत रही है। कैसे जीत रही है बताइए। जब सारी की सारी पार्टियां मिलके कहेंगी कि भैया ले जाओ उठा के, हम वॉकओवर दे रहे हैं, तो क्या होगा? किसने कह दिया भाई? अच्छा ये बताइए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? आप बेवकूफ मत बनाइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपका अधिकार है। काम करिए, पहले तो आप जांच करके ये ले आइए कि मैं भाजपा में कहां से सदस्य हूं, कहां से गया हूं, कहां जुड़ा हूं। आपने जितने भी डिबेट आए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा बोला आपने बोला नहीं, तो आप सुनिए भी पार्टी के बारे में ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 40 ग्राम सभाओं से ज्ञापन इकट्ठा करके बिजली विभाग के खिलाफ हमने दिया, सड़क के खिलाफ हमने आवाज उठाई। अच्छी तो बात, मेरा काम था, मेरा काम जानते हैं क्या? मेरा काम है सही गलत पे बोलना, ठीक? मैं पार्टी की दुम पे लटकने वाला आदमी नहीं हूं। जनता पार्टी ने कौन ऐसा काम कर दिया जिससे आप उसके जो है? मेरे सादुल्ला नगर क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ जो किया लोगों ने अपनी कमाई अपनी क्षमता पे किया है। लेकिन अगर बाकी पार्टियां इस प्रकार सहयोग देंगी कि जिस पार्टी से अभी तुफैल भाई से बात हो रही थी, बता रहे थे कि 3 विधायक लगातार रहे और एक बार रनर रहे, उस जगह से समाजवादी पार्टी सरेंडर हो गए। और सुन लीजिए, जाति के आधार पर बनी हुई पार्टी, जाति के आधार पर बनी हुई पार्टी को समाजवादी, समाजवाद अपना प्रत्याशी बना कैसे सकता है, ये बताइए आप। अरे भाई साहब, नहीं नहीं, क्या भाजपा जात के आधार पर टिकट नहीं बांटती है? मैं कह रहा हूँ निर्माण पार्टी का हुआ है भाजपा के आधार पर। जो जात के आधार पर टिकट बांटता हो, जातवाद के आधार पे, वो कैसे जीत सकता है? देखिए मैं फिर से बताऊँ, यादव वोट बैंक हमेशा सपा के साथ रहा, लेकिन मैंने सपा को कभी नहीं कहा जाति के आधार पर क्यों सुनी है, क्योंकि भाजपा के साथ सपा के साथ सब हैं। लेकिन जो पार्टी सिर्फ एक एक जाति को लेकर खड़ी हुई हो, उस पार्टी को आप समाजवादी का प्रत्याशी बना रहे, समाजवाद का प्रतीक मान रहे, आपको विचार करना चाहिए फिर से। अच्छा ये बताइए, पिछड़ों की पार्टी है, ये बताइए आप, पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़े और दलितों को वो एक करके लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप पत्रकार हैं, हमको ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी के टिकट आवंटन होने के बाद यहाँ के लोगों के दिलों पे चोट लगी है कि नहीं लगी है? कोई चोट नहीं लगी है, कोई चोट नहीं लगी। हर नेता जो है आसिफ खान का प्रचार प्रसार, आप हमें बताइए, अपनी उसको समर्थन दे रहे हैं, बताइए कहाँ आप हैं? इंडिया टाइम्स न्यूज नींद में लगाता है क्या? नींद में नहीं, नहीं लगाता है क्या? नींद में क्यों? अभी आप ही के लगातार 20,000 वोट से हारे, हम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जो आपने न्यूज चलाई है 20,000 वोट से वो हार रहे हैं भाई साहब। जो आपने न्यूज चलाई है उसी को आधार मान के बात कर रहे हैं। एक डिबेट था जनता, ठीक है, वो जनता मतलब वो जनता है, आप क्या भगवान है? अरे यार जनता का भगवान है, हम जनता बात कर रहे हैं भाई साहब, भाई की बात आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, भाई की पत्रकार हैं, आप कई वोट देते हैं, एक आप कितना देंगे, एक हम कितना देंगे, एक ठीक है प्रत्याशी कितना चाहिए, एक आया आया नहीं, कहने का मतलब सपा ने प्रत्याशी दिया, ठीक। ऐसी कौन सी कमजोरी थी समाजवादी पार्टी की उतरौला विधानसभा में कि उनसे एक प्रत्याशी नहीं जुटा? वो गठबंधन प्रत्याशी तो है, गठबंधन का कौन सी तिजारत हो गई बताइए? ये चौहान जी के दल से गठबंधन था, नहीं तो चौहान जी उन्होंने कहा मुझे एक सीट दे दो और कोई मत दो, अच्छा रुकिए, दे दिया। आपने आपने हसीब खान को रूबरू देखा है? नहीं, ठीक है,
आम आदमियों ने देखा है, इस क्षेत्र में आए हैं, आम आदमियों से मिले हैं, नहीं मिले हैं, आप मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, आप मेरी बात जाइए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, एक मिनट सर, एक बात कर रहे हैं, आप हमको गांव में मतदाता ये कह रहे थे कि उनको देखने की जरूरत नहीं है, यादव की पार्टी है, हम भैंस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसे कहते हैं अंधभक्ति। अब मैं बताता हूँ कुछ और, अब ये बताइए कि जब कभी गठबंधन में किसी पार्टी को टिकट दिया जाता है, किसी पार्टी को वोट ये सीट दी जाती है, तो इस आधार पर दी जाती है कि ये पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, तो इसको आप प्रत्याशी बना दीजिए तो यहाँ हम मजबूती जीत लेंगे, ये गठबंधन के आधार होते हैं। कौन सी तिजारत हो गई कि जहाँ जाइए, 2012 से 17 तक आप रनर थे, आप डॉक्टर आरिफ अनवर हाशमी विधायक थे, 17 से 22 तक वो सेकंड पोजीशन पे थे, उसके पहले भी 3 विधानसभा आप जीते हुए थे, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि समाजवादी पार्टी को एक प्रत्याशी नेता आप बताने की कृपा करेंगे? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम उनका जो है कहना मान रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, कि आसिफ खान को कोई नहीं जानता पहचानता है, भाई साहब वो 6 महीने से राजनीति में आए हैं और 6 महीने में इतने बड़े वो नेता नहीं हो जाएंगे कि हर घर में, नहीं तो मैं कह रहा हूँ अगर इतने बड़े नेता नहीं होंगे तो इतने बड़े नेता कैसे होगा कि इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े विधानसभा का इतना बड़ा टिकट है, समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय दलों में आती है, मतलब आप क्षेत्रीय दलों में आती है, उतरौला के मतदाताओं पे समाजवादी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि मैं एक भैंस को भी भेज दूंगा तो यहाँ के आपके विचारों में जो शुद्धिकरण हुआ है वो 3-4 दिन पहले हुआ है, नहीं नहीं, जब आपके रहनुमा ने जिस पार्टी का कॉन्फिडेंट है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है उन्होंने कॉन्फिडेंस से भेज दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मुद्दे हैं जी, वो कोई भी प्रत्याशी आया है ठीक है मैं समाजवादी के साथ चला जाऊं, मैं वोट कर दूं, यहाँ के लोग वोट कर दें, लेकिन कुछ तो हमारे मुद्दे भी हैं। कौन सा मुद्दा है? एक मुद्दा था 12 से 17 तक कि हमें फर्जी मुकदमों से बचाया जाए, वो मुद्दा सॉल्व हो गया 17 से 22 में, यहाँ के लोगों का मुद्दा क्या है? यहाँ का हमारे 17 से 22 में सॉल्व हो गया, यहाँ पर हमारे अब नए मुद्दे नहीं है, हमारे पुराने मुद्दे हैं, ठोकने वाले खत्म हो गया मामला, मतलब आप इसका मतलब मुकदमे बड़ा मुख्यमंत्री की भाषा ठीक है ठोक देंगे, ये कहाँ का भाई, बताइए आप ऐसा करिए ना, समाज में मुद्दा समाज में निकल के पूछ लीजिए ना, कुछ लोग इसी लायक थे कि वो ठोके ही जाएं और ठोके जा रहे हैं, हम बहुत नहीं नहीं इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि ठोके जाएं भैया, जो ये कौन से ऐसे लोग हैं जो ठोके जाएं उसको चिन्हित कर दिया जाए, एक मिनट, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित कर दिया जाए, तुम्हारे बीजेपी पार्टी जो है उनकी लिस्ट जारी कर दे, जो सबसे बड़े बड़े माफिया और क्रिमिनल हैं उनको बराबर एक एक मिनट आपने एक मिनट आप चुप रहिए, आप टीवी पे देखा होगा तख्ती लेकर एक मिनट एक मिनट मैं सरेंडर करने बात करिए, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया उनकी एक लिस्ट क्यों नहीं बीजेपी जारी करती है, एक जात विशेष के ऊपर क्यों इनकाउंटर कर रही है, और एक जात विशेष के ऊपर क्यों कर रही है, बताइए, और क्या आप आंकड़ों के साथ, आंकड़ों के साथ नहीं है, आप आंकड़े इकट्ठा करिए, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उनको उठा के आंकड़े के साथ देख लीजिए, कहीं यादव मारा गया, कहीं ब्राह्मण मारा गया, कहीं मुस्लिम मारा गया है, बिल्कुल बिल्कुल, और 80-90 मुकदमे लेके लोग जो है हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं, 84 85 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
में क्या होता है इसको महसूस ही नहीं कर सकते। हम लोग बहुत शांत इलाके रहने वाले, घुमाने की बात नहीं करिए, घुमाने की बात नहीं करिए, घुमाइए विवेक। तो ऐसा है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके पूछिए ना, जब दिल का हाल तब आपको पश्चिमी ना ले जाइए, हम अपने आगे मुद्दे कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ लोगों को जो है ना क्रिमिनल बना रही है और उन्हीं व्यक्ति विशेष लोगों को ही ठोक रही है। और जो लोग हैं क्रिमिनल हैं, कांग्रेस वही बचाने आ गई, क्रिमिनल है वो हेलीकॉप्टर लेके उतर रहे हैं, कांग्रेस आ रही है सुरक्षा। आप कह रहे हो बेचारी, पूरे मंडल में सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर? एक मिनट रुकिए, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सेक्रेटरी, ठीक है, इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई लीडर का नाम बता दीजिए जो मेन फ्रेम में हो। अरे देखिए सलमान खुर्शीद नाम पोस्ट के साथ नाम बताइए, पोस्ट नहीं, के साथ नाम बताइए। हम पोस्ट का करे जाए बताने हम उसके लोकतंत्र हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सीताराम केसरी को बाहर उठा के फेंक देने वाली पार्टी जो 5 साल तक, मैं बता रहा हूँ ना, जिस आप कहते हैं देश संविधान से चलाओ, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस है। एक मिनट, ये आप तो इतिहास बता रहे हैं, प्रेरणा इतिहास से ली जाती है। आज मुद्दे पे आइए, आज इलेक्शन है, 19 तारीख को वोट करना है। विवेक जी इतिहास गिनाने का समय नहीं है। क्या है ना, अपराधीकरण के विरुद्ध वोट पूछ रहा हूँ आपसे मैं, बताइएगा ठीक है, गला मत अपना बैठाइएगा। ये मुझे बताइए कि 75 साल कितने लूटा खाया भैया, बताइए पहले। कांग्रेस ने, आप कहेंगे कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के कितने नेताओं को बीजेपी ने फांसी दे दिया, मुझे बताइए अब। नहीं, मैं इसका जवाब एक ही पूछ, 75 साल कांग्रेस ने लूटा खाया, आज सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी भाजपा बन गई। 75 सालों तक अगर कांग्रेस लूट रही थी तो भाजपा कौन सा डिटेल आवाज नहीं पड़ रही है जैसे जो है पत्रकार है डॉक्टर क्यूडी सिद्दीकी, ये किसी का टिकट कट जाने आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। पर्सनल मुद्दों को आप मेरी आवाज नहीं निकल रही, कैसे सुनाई पड़ रही है आपको? जब हमारी बात करें तो मैं बोलूंगा। यही नहीं, हम एक मिनट, हम जिस जगह बैठे हुए हैं ना, इस जगह का अगर ज्योग्राफी देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से नाना देशमुख जैसे लोग सांसद बन के निकल गए, सुभद्रा जोशी जैसी लोग आके चुनाव लड़ी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग यहाँ पर। हमारा मेन मुद्दा ये है, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से हुए सांसद जी, एक तो अटल बिहारी विश्वविद्यालय खुलवा देते, एमएलके सड़क, इन्होंने विकास की बात किया है, विकास का मतलब है, हमारे कहने का मतलब है, सबसे ज्यादा कहने का मतलब ये है कि हमारा जनसंघ और बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। हमारे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल में भारतीय जनता, नहीं आपके चैनल पे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को आता है? मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समाज का आदमी, समाज की बात करिए। दूसरी चीज, अगर रेहरा ब्लॉक, सुन लीजिए, रेहरा ब्लॉक उपेक्षित इसलिए है क्योंकि हमारी नहीं, आपकी नहीं, किसी की नहीं, किसी पार्टी ने किसी लायक नहीं समझा। और मैं फिर से मांग कर रहा हूँ जो मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे कहा था कि सादुल्ला नगर विधानसभा को पुनर्गठित किया जाए और हमको पूरी तरीके से उतरौला से और जनपद बलरामपुर से मुक्ति चाहिए। ये हमारे यहाँ का मुद्दा, आपकी इस बात को करते हैं, इस आने वाली समाजवादी सरकार बनेगी, इस मुद्दे को उठाया जाएगा, वहाँ रखा जाएगा। जो भी सरकार बनती है, जो भी सरकार बने, किसी भी पार्टी की सरकार बने, आप उसके सामने मुद्दा रखिए। कि अगर आप एग्जिट पोल और गरीबों से, लोगों से पूछ के अगर आप ये सोचते हैं कि चुनाव का डेटा कलेक्ट कर लेंगे, तो ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आज भी लोग दहशत में रहते हैं किसी पार्टी को लेकर, और उसके सामने किसी पार्टी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। पर्दे के अंदर वोट पड़ता है, वोट चुपचाप जाके दे देंगे, और अगर आप उसके बोलने से उसके निर्णय निकालेंगे तो गलत। एक एनालिस्ट ने कहा कि जब किसी देश में किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पिस्टल बन जाएगा, बुलडोजर बन जाएगा, तो वहाँ की जनता सहमी रहेगी। अच्छा, आप संज्ञा में बात करें, सरनाम में नहीं। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे ज्यादा अगर हमने चुन के भेजा है यहाँ से सांसदों को, तो कहीं ना कहीं जनसंघ से, कहीं ना कहीं बीजेपी से, बिल्कुल, और उसके बाद हमारे साथ क्यों उपेक्षा ये सरकार की है, बताइए आप। मैं क्यों बताऊं यार, सरकार नहीं है, मैं क्यों बताऊंगा। अब ये बताइए, इतने बड़े नेता समाजवाद समाजवाद बैठ के आप बता रहे हैं ना, बार बार हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जब सड़क में गड्ढे थे, सबके सब उछल कूद रहे थे, निकल के पूछने के, बताइए कितने लोग आए थे, बताए, इतने लोग खड़े, बता दे। 2018-19 में घुसा, बताइए, रुक जाइए,
45 ग्राम सभा में जाकर सड़क बनवाई गई, सुन लीजिए, सड़क बनवाई गई हम मानते हैं, इसलिए एक मिनट रुकिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार था गुंडा तो तेजी से भाग जाए, जो प्रचार था ना कि वो बिजली के लिए तड़पाने वाला, उसको मैंने लोड किया था सोशल मीडिया पे, और मैं सही को सही गलत बोला कि आपके क्षेत्रीय मुद्दों पे मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे की पार्टी के मुद्दे पे आपका बिल्कुल समर्थन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरी पार्टी नहीं है, मैं भैया इसी चैनल के माध्यम से बता दूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य हूँ, ना समाजवादी सदस्य हूँ, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, लेकिन व्यक्ति विशेष, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने देवी पाटन मंडल की 5 सीटें उठा के भाजपा के थाली में रख दिया। देख रहे थे कि ये एकदम गलत बयान है आपका, ये उतरौला की समाजवादी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी है कि वो कह रही है कि हसीब खान नहीं, अगर एक भैंस भी भेज देती उतरौला, एक आदमी को टिकट नहीं, एक आदमी को टिकट नहीं मिला, और जब उस आदमी ने समर्थन किया तब आपकी आवाज निकली, अभी तक नहीं निकल रही थी।